देश को और बिहार को इसी तस्वीर का इंतजार था। आज नीतीश जी और मोदी जी मिले हैं, दिल से मिले हैं और साफ दिख रहा था कि दोनों मिलेंगे तो डबल इंजन हो गया। बिहार में सिंगल इंजन था, एक भाप वाला था, अब वंदे भारत के स्पीड वाला इंजन मिल गया है। और एक थे पहले, अभी एक हैं और ये लोग एक रहेंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। कोई कितनी कोशिश कर ले, एनडीए की सरकार लंबे काल तक बिहार में थी और लंबे काल तक बिहार में एनडीए की सरकार रहेगी। स्लो टेस्ट होना है सर, लेकिन कांग्रेस के विधायक हैदराबाद में हैं, क्या डर है? भाई कांग्रेस पार्टी को अपने विधायकों पर ही भरोसा नहीं है, ये कैसी पार्टी है? देश की जनता पर भरोसा नहीं, अपने विधायकों पर भरोसा नहीं, अपने नेताओं पर भरोसा नहीं और खुद पर भी कांग्रेसियों को भरोसा नहीं। ये अपने विधायकों पर शक करते हैं, तभी तो उनको बांध कर ले गए हैं वहाँ। आरजेडी के स्पीकर जो थे वो कह रहे हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। अरे नहीं देंगे तो हट जाएंगे, अगर उनको मोहब्बत से हटना है तो इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता पर, और जब अविश्वास प्रस्ताव लग गया तो छोड़ देना चाहिए, और नहीं छोड़ेंगे तो फिर विधायक लोग निर्णय करेंगे उनके बारे में। पार्लियामेंट में मोदी जी ने कहा कि 400 पार इस बार, अब की बार हम लोग कर रहे हैं। 400 के पार तो होना ही है, 370 बीजेपी और एलाइज के साथ 400 के पार। मुझे तो ये लग रहा है कौन ऐसी सीट है जो मोदी जी को बनाना नहीं चाहती। हर सीट पर लड़ेंगे मोदी, आएंगे मोदी, जीतेंगे मोदी, प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी, देश की तकदीर और तस्वीर को संवारेंगे मोदी। मांझी जी नाराज चल रहे हैं सर। कौन बोला है आपसे? कोई नाराज नहीं है, कोई नाराज नहीं है, सब ठीक है, पेट नहीं भरता है, सब ठीक है, कोई नाराज नहीं।